लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑलजोन टाइम्स न्यूज और हिट कीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी खास खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलजोन टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास शो जनता की अदालत में। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने 25 से अधिक संस्थाओं के साथ जुड़कर वैश्य समाज की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। आपका जीवन हमेशा से ही युवाओं की प्रेरणा रहा है। हम बात कर रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रदीप मित्तल जी की। इससे पहले कि प्रदीप मित्तल जी के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, हम एक नजर डालते हैं उनके अब तक के सफर पर। 26 दिसंबर 1955 में जन्मे प्रदीप मित्तल जी वर्तमान में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन, अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन के मुख्य सलाहकार, श्री ब्रह्मपुरी अन्न क्षेत्र आश्रम ट्रस्ट और इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के महामंत्री, महाराज अग्रसेन इंटरनेशनल अस्पताल रोहिणी के सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा प्रदीप जी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और श्री अग्रसेन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं शुरू से लगभग मानो कि 1973 से अग्रवाल समाज के साथ जुड़ा हूं। आज आप समझ लें कि लगभग 44 वर्ष हो गए मुझे अग्रवाल समाज के साथ जुड़े हुए। ये काम किसी लालच में नहीं, एक मन के सेल्फ इंटरेस्ट में, एक लगन होता है तो ये काम होता है। मैं कॉलेज टाइम में भी एक्टिव रहा, स्टूडेंट यूनियन में भी एक्टिव रहा, लेकिन अग्रवाल समाज को आगे बढ़ाना है, अग्रवाल समाज के दुख तकलीफ में हमें काम आना है, ये सोच के काम प्रारंभ किया। 1975 में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की स्थापना हमने की। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पीढ़ी मतलब एक बिल्कुल सीढ़ी के हिसाब से मैंने काम किया। 1975 में मैं केवल दिल्ली प्रदेश युवा सम्मेलन का पहले कोषाध्यक्ष बना। 1976 में एक साल बाद दिल्ली प्रदेश की यूथ विंग का मैं जनरल सेक्रेटरी बना। 1978 में जाके मैं दिल्ली प्रदेश युवा का अध्यक्ष बना। 1980 में मैं लगभग जाके अखिल भारतीय युवा सम्मेलन का महामंत्री बना। 1982 में मैं अखिल भारतीय युवा सम्मेलन का अध्यक्ष बना, ऑल इंडिया का। और इसी तरह जुड़ते जुड़ते जब मैं पदों पे रहा तो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की मेन बॉडी में तो मैं पहले दिन से हूँ जब 1975 में स्थापना हुई। आज आप देखेंगे कि मेरा ये संस्था माननीय रामेश्वरदास जी गुप्ता, जो साउथ एक्सटेंशन धर्मबान वाले थे, उन्होंने बनाई थी, उनके परिवार का मेंबरशिप नंबर 1 से 9 तक है और मेंबरशिप नंबर 10 मेरा है। तो अब उसे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1975 के पहले दिन से हम जिस पहले सम्मेलन का उद्घाटन उस समय माननीय बीडी जत्ती जी होते थे उपराष्ट्रपति, उन्होंने किया था, जब से मैं जुड़ा। संस्था हमारी बनाई हुई है, कोई भी हो, हमने उसमें अपने खून पसीने से उसको सींचा है। लेकिन उसी समय कुछ आवश्यकता पड़ी, कुछ पदाधिकारी जो नए बने अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में, उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी कि उन्होंने पुराने सारे स्टेट प्रेसिडेंट्स और सारे पदाधिकारी बदल दिए। तो जितने पुराने पदाधिकारी थे हिंदुस्तान भर के, हर स्टेट्स के, उन्होंने मिलकर एक बैठक करके एक अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की स्थापना भी उन्होंने 2010 के बाद की था। लेकिन वो सब आए मेरे पास कि नहीं, हमें आपका अभी रिटायरमेंट नहीं, आपका मार्गदर्शन चाहिए। और उसी मार्गदर्शन में उन्होंने मुझे एक सम्मान के रूप में, अपना राष्ट्रीय चेयरमैन के रूप में मुझे जोड़ा। और लगातार मैं आज फिर एक्टिव हूँ, नहीं तो शायद मैं एक बार सोच रहा था कि समाज से रिटायरमेंट ले लूँ। लेकिन आज फिर पूरे देश का प्यार है, इतना सम्मान मिल रहा है। ये सम्मान ऐसी चीज है कि जहाँ सम्मान मिलता है आदमी काम को छोड़ नहीं पाता। मैं विद्यार्थी जीवन से, इसमें कोई शक नहीं, मैं राजनीति में जुड़ा कि मैं जो एक छात्र राजनीति है उसमें बड़ा सक्रिय रहा। मैं दिल्ली कॉलेज में, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट्रल काउंसलर्स का इलेक्शन पहली बार हुआ
और दिल्ली कॉलेज एक ऐसा कॉलेज था जो मुसलमानों का गढ़ है, वहाँ भी मैं जीत कर आया था और दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने अपना प्रतिनिधित्व किया था कॉलेज का। शौक रहा मुझे, बस वही एक मेरा जीवन का था कि मैं राजनीति में छात्र के रूप में जुड़ा था। उसके बाद जहाँ तक राजनीतिक पॉलिटिकल बात करें, मैं कभी किसी पार्टी के साथ सक्रिय नहीं हुआ आज तक। हर पार्टी के विरोध में या फेवर में मुझे बात करनी है केवल अपने अग्रवाल वैश्य समाज की, मैं खुलकर बात कर सकता हूँ, फिर डिसिप्लिन मेरे पे लागू नहीं होता। मुझे तो अपने समाज की सच्चाई देखनी है, उसके लिए मैं काम करता हूँ। मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि मैंने आज तक कभी किसी पद की लालसा नहीं की। कोई हिंदुस्तान में पार्टी ये नहीं कह सकती कि मैंने कोई टिकट मांगा हो, कभी ना पहले उम्मीद थी ना आगे उम्मीद है, मतलब मेरे मन में नहीं है कि मुझे कुछ चुनाव लड़ना है। हाँ, लेकिन एक लगन अवश्य है कि वैश्य समाज के बंदियों को अधिक से अधिक टिकट मिले, हर पार्टी टिकट दे और वो जीत कर आए, इसके लिए मैं जी जान से कोशिश करता हूँ। चाहे हिंदुस्तान का कोई कोना हो, वहां जाकर अपने भाई को जिताने का प्रयास मेरा रहता है, चाहे वो किसी पार्टी। आपकी बात से सोलाने सहमत हूं, सारी राजनीतिक पार्टियां जब टिकट देने की बात आती है तो वैश्य समाज के साथ सौतेला व्यवहार करती है। वैश्य समाज को केवल दुधारू गाय समझा हुआ है, चंदा हमसे लेते रहे, जब टिकट देने की बात आए तो और जातियां इनको नजर आती हैं। आज अगर सही बताऊं तो हर राजनीतिक पार्टी के मंचों का संचालन ये वैश्य समाज करता है, उनकी रैलियां हम कराते हैं, वो बंद की बात करें तो हम करते हैं, लेकिन जब देने की बात आती हो तो उनको वैश्य समाज का कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। एक ही है, अगर वैश्य समाज को राजनीति में सब कुछ लेना है, मैं तो कहता हूँ वोट हमारा, नोट हमारा, राज हमारा क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होगा कब, जब हम शक्ति दिखाएंगे। आज समाज में फैली हुई कुरीतियों की समस्याएं बहुत विकट होती जा रही हैं। आज तो फिर भी साधन हो गए, एक जमाना था जब हमें अपनी बेटियों को रिश्ते के लिए घर घर धक्के खाने पड़ते थे, रिश्ते नहीं मिलते थे, कभी मंदिरों में कभी धर्मशालाओं में अपनी बेटियों को, अगर मैं सादा भाषा में कहूँ, थालियों में सजा के दिखाया जाता था और बाद में रिजेक्ट करके चले जाते थे। इसको समाप्त करने के लिए हमने 1976 में ही इस देश में परिचय सम्मेलन की स्थापना की। सबसे पहले हमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में कामयाबी मिली, महाराष्ट्र में कामयाबी मिली और आज लगातार हमारे परिचय सम्मेलन के कारण आज हिंदुस्तान की ऐसी कोई जाति कोई धर्म नहीं है बाकी जो परिचय सम्मेलन ना करता हो, उसका लाभ ना लेता हो। इसका हमें गर्व है कि हमने प्रारंभ किया और आज हिंदुस्तान की हर जाति हर धर्म ने परिचय सम्मेलन को अपने जीवन में अपनाया। मेरा समाज का व्यक्ति कोई भी मेरे पास आता है, मुझे फोन भी करता है, सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मेरे से आके कहना चाहता है कि मैं आपके पास आना चाहता हूं, आज के इस बिजी शेड्यूल में और इतनी महंगाई में, मैं सबसे पहले कोशिश मेरी रहती है कि भैया आपको क्या काम है आप मुझे बताओ, और मेरा पहला प्रयास रहता है उसकी जो भी मदद मैं कर सकूं मैं बिगैर बुलाए कर दूं। मैं उसमें विश्वास नहीं रखता कि आज मुझे कलकत्ता बम्बई से फ़ोन करके लोग कहें मैं आपके पास आना चाहता हूँ मेरा ये काम है। मैं पहले फ़ोन पे ही कहता हूँ आज का ज़माना है, आप मुझे अपनी जो भी दिक्कत है मुझे व्हाट्सएप कर दो, मेल कर दो, और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उसकी पूरी मदद करूँ। मैं लगभग पिछले 45 वर्षों से अग्रवाल वैश्य समाज के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन इसी तरह एक संस्था है जहां आज मैं जिसके कार्यालय में मैं बैठा हूं, यह है इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस। ये संस्था हम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स एंड हाउसिंग, जो आजकल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, उसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। ये संस्था सभी केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों को सलाह देती है, तकनीकी सलाह देती है, भवन निर्माण कैसे हो, बिजली से कैसे बचा जाए, भूचाल आए तो हमें क्या ध्यान रखना है, सुरक्षा के क्या प्रबंध करने हैं, नया बिल्डिंग मटेरियल कौन सा यूज होना चाहिए, इन सब तकनीकों पे हम काम करते हैं। उस संस्था का नाम इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, उसका भी मैं मानद सचिव के रूप में पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। परम गुरु स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज
जो गीता मनीषी के नाम से विश्व विख्यात हैं, जो गीता के प्रचार के लिए पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, उनके साथ मैं एक सेवक के रूप में जुड़ा हूं। इसी प्रकार थोड़े बहुत और हनुमान धाम के नाम से एक उत्तराखंड में बहुत बड़ा विशाल एक हनुमान धाम का निर्माण हो रहा है, वहां भी हम भगवान हनुमान के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं दीदी मारे तमरा जी के साथ जुड़ा हूँ, आचार्य विजय जी के साथ जुड़ा हूँ, कुछ ऐसे धार्मिक गुरुओं के साथ जुड़ के इस देश में धर्म का प्रचार करने में भी थोड़ी सी मेरी रुचि बढ़ी है, उसमें भी मैं कार्य कर रहा हूँ। देखो प्रेरणा की बात नहीं होती, अग्रवाल समाज की सेवा मैंने बहुत की 40 साल की, वो ठीक है कि समाज का प्यार मिल रहा है, मैं लगातार जुड़ा हूँ, लेकिन एक उम्र होती है, उम्र के बाद आदमी सोचता है कि चलो अब थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके ऐसी जगह पहुँचे जो इस दुनिया की टेंशन से दूर होके और एक शांतमय वातावरण में जाके उस भगवान की दर्शन करने का प्रयास करें, जो कि असंभव है हम जैसे व्यक्ति के लिए, वो तो एक बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए, लेकिन एक कोशिश करें कि उसकी भावना में जुड़कर कुछ ज्ञान लें और कुछ ज्ञान जितना दे सकें इस दुनिया को दें कि धर्म में जुड़ना कितना लाभकारी है, वो सोच के मन किया तो जुड़ गए। मैंने अभी इतनी बड़ी बातें कही हैं, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि सबसे पहला काम आज एक अगर सही पूछा जाए तो संगठित हों, अपने भाई को भाई समझें, कमजोर की मदद करें। राजनीति में कोई भी व्यक्ति अगर वो सक्षम है, अगर वो किसी नेशनल पार्टी के बैनर पे खड़ा है तो उसको अवश्य जिताएं, चाहे वो कोई भी पार्टी। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज ये सोचा कि आपके इस वेस्ट जोन टाइम की अखबार के जरिए आप लोगों तक संदेश देना चाहते हैं, आपने भी आकर मुझे इसके लिए चुना। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वेस्ट जोन टाइम आगे बढ़े, उन्नति करें, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदीप मित्तल जी से हमने हर तरह के सवाल पूछे और उन्होंने बहुत ही सहज भाव और बेबाकी के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए। हमारा विश्वास है कि प्रदीप मित्तल जी इसी तरह समाज की सेवा करते रहेंगे। जनता की अदालत के खास शो में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और चर्चित हस्ती से और जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी खास बातों के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स और पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और हिट कीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी खास खबरें सबसे पहले आप तक पहुँच सकें।